हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का वैल्यू एडिशन के अंदर। जी हाँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जिसके पास भी, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, चाहे वो SOL का स्टूडेंट हो, NCVI का हो, चाहे रेगुलर का हो, तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सिलेबस प्लस इसका एग्ज़ाम पैटर्न यानी पेपर इसका कैसा आता है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं इसका सिलेबस देख लेते हैं, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्या सिलेबस है। सिलेबस की बात की जाए, इसके अंदर यूनिट की बात की जाए, इसमें टोटल 4 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहली यूनिट का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है यानी बुद्धिमता, है ना, इमोशनल कहते नहीं है, जो फीलिंग्स जिन्हें हम कहते हैं भाव, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें आप पढ़ोगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी ट्रेट एंड मिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दूसरी यूनिट में पढ़ोगे पर्सनल कॉम्पिटेंस, जिसमें आप पढ़ोगे आपका सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग वन ओन ऑन फीलिंग्स, नाउ आपका नाउइंग वन स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजिंग इमोशन, एक्सिटी, फियर एंड एंजर, ठीक है। फिर आपका रहेगा यूनिट 3 सोशल कॉम्पिटेंस, इसमें आप पढ़ोगे सोशल अवेयरनेस, अदर परस्पेक्टिव, एम्पैथी, कमीशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलाबोरेशन, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। यूनिट 4 में पढ़ोगे इमोशनल इंटेलिजेंस मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट, मेजर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजीज टू डेवलपमेंट इन्हांस इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैंने आपको दिखा दिया, सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, इसका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। आप जरा देख लेते इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसने जरा नोट कर ली। तो कुछ राइट शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। पहला आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा, सहयोग और टीम वर्क में EI की भूमिका क्या है, EI मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता है। फिर आपका नेक्स्ट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सामाजिक समता पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किन्हीं दो मॉडलों का वर्णन करें। व्यक्तिगत समता का वर्णन करें, किसी एक ताकत और विकास के क्षेत्र को जानने से व्यक्तिगत समता कैसे बढ़ सकती है। भावनात्मक विकास और विकास के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करें। चिंता और अवसाद को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न स्वनियमन रणनीतियों की गणना करें, ठीक है। तो साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है सब्जेक्ट। प्रभावी संचार के उन पहलुओं का वर्णन करें जो किसी रिश्ते को पोषित करने के लिए आवश्यक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा अलग है, ये साइकोलॉजी है, ठीक है, फीलिंग्स इमोशन उसके ऊपर, ठीक है। संघर्ष प्रबंधन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें। वैसे तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अगर इसका पेपर देखा, इसका पेपर कैसा आया था लास्ट ईयर। देखिए पेपर की बात की जाए, सिंपल सी बात है, ये पेपर आपका दो पार्ट्स में रहेगा, एक पार्ट आपका 30 नंबर का रहेगा और एक पार्ट आपका 40 नंबर का रहेगा। जो SOL के स्टूडेंट होंगे वो 70 नंबर का पेपर करेंगे, यानी दोनों पार्ट करेंगे, और जो रेगुलर के स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ 30 नंबर का पार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये अभी दिसंबर का ही पेपर है, दिसंबर जनवरी में जो पेपर हुआ था, ठीक है, ये दो पार्ट का रहेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। वैल्यू एडिशन कोर्स, ठीक है, पहला पार्ट 30 नंबर, एक घंटा दिया जाएगा, हिंदी अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी और एंड अटैम एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग। पहला क्वेश्चन आपको करना है, बाकी के क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न नहीं हुआ, ठीक है। प्रश्नों का एक भाग एक साथ करने का प्रयास करें। जी हाँ, सारा करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, ठीक है, देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस।
ये क्वेश्चन नंबर आपको कंपलसरी करना। गुस्से का प्रबंधन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मापन। दूसरा क्वेश्चन, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दक्षताओं के संयोजन की आवश्यकता होती है। गोलमैन के भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल के आधार पर व्याख्या करें। तो इनकी कोई थ्योरी है गोलमैन की, उनके बारे में बताना है। तीसरा, स्वयं प्रबंधन की किन्हीं दो तकनीकों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है, बताइए कि किन्हीं दो EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है। EI का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, कैसे विकसित किया जा सकता है। फिर आ जाता है दूसरा पार्ट 40 नंबर का, बी पार्ट है, डेढ़ घंटे आपको मिलेंगे इसके लिए। इसमें चार प्रश्नों के उत्तर लिखे, सभी प्रश्न समान है, ठीक है। इसमें भी शॉर्ट नोट पूछे गए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मापन, सामाजिक समता, EI और संचार कौशल। और दूसरा क्वेश्चन में भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित कीजिए, भावनात्मक बुद्धि के किन्हीं दो मॉडलों का वर्णन कीजिए। आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में कैसे मदद कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सामाजिक जागरूकता को परिभाषित करें, इसका दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से क्या संबंध है। पांचवा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने में सहानुभूति के महत्व पर चर्चा करें, किसी एक सहानुभूति बढ़ाने के लिए विशिष्ट तकनीकों को प्रदान करें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी जो होता है।